हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है राइनिया। ठीक है, राइनिया एक फॉसिल है, मतलब फॉसिल था जिसको खोजा गया था पेलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में। ठीक है, और इसके बारे में मतलब इसकी दो स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी हैं, और ये फॉसिल टेरिडोफाइट है। हम कह सकते हैं ये कैसा है, फॉसिल टेरिडोफाइट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो इसका डिवीजन है वो कहलाता है टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन जो है वो उसका कहलाता है सीलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर जो है उसका कहला रहा है सीलोफाइटेल्स, ऑर्डर में हमेशा एल्स लगता है, और फैमिली में एसी लगता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, राइनिएसी। और जो जीनस होगा वो उसका होगा राइनिया, और जो स्पीसीज होगी वो उसकी होगी मैजोर। दैट मीन्स राइनिया मैजोर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। हैबिट हैबिटेट क्या कहता है, हैबिटेट कहता है राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है जो पेलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में पाया जाता है, जो पेलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में पाया जाता था, सॉरी डेवोनियन पीरियड में पाया जाता था। राइनिया के फॉसिल्स की खोज स्कॉटलैंड के किट्सन एंड लैंग ने राइनी नामक प्लेस से, कौन से प्लेस से, राइनी नामक प्लेस से 1917 में की थी। क्लियर। इसके बाद में देखिए, राइनिया के फॉसिल्स को रॉक के लेयर के बीच टेरिफाइड रॉक के लेयर के बीच टेरिफाइड फॉसिल्स के फॉर्म में खोजा गया था। टेरिफाइड फॉसिल्स के फॉर्म में क्या किया गया था बेटा, उसको खोजा गया था, लेकिन इसके गैमेटोफाइट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अब तक राइनिया के जीनस में दो स्पीसीज अब तक राइनिया के जीनस में दो स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, जिन्हें राइनिया मैजोर तथा राइनिया गॉनी वॉगोनी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका हो गया हैबिटेंट हैबिटेट के बारे में डिस्कस। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे स्पोरोफाइट कंडीशन, स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया। दैट मीन्स हमको पता है इसका गैमेटोफाइट तो डिस्कवर किया नहीं गया, पता ही नहीं है, तो इसका स्पोरोफाइट देखा गया। दैट मीन्स इसकी बॉडी मिली है टूयन, स्पेशली आप जानते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है बॉडी, है ना। तो बॉडी के बारे में इसका, दैट मीन्स इसका बॉडी मिला है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया देखिए क्या कहता है, पहला पॉइंट यहां पर लिखा है, राइनिया को या राइनिया की प्लांट बॉडी स्मॉल साइज कॉमा हर्बेशियस कॉमा ब्रांच एंड डिप्लॉइड होती है। राइनिया की जो बॉडी है वो स्मॉल साइज की है, हर्बेशियस है और ब्रांच्ड भी है, और ये कैसी है, डिप्लॉइड है। क्लियर। नंबर दो, इनमें रूट एंड लीफ एब्सेंट होती है। दैट मींस राइनिया में रूट और लीफ नहीं पाया जाएगा, सिर्फ स्टेम पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, राइनिया मेजोर में प्लांट बॉडी 50 सेंटीमीटर तथा राइनिया गोनी वगोनी में प्लांट बॉडी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, राइनिया में स्टेम सिलिंड्रिकल तथा राइजोम के फॉर्म में पाया जाता था। राइनिया में जो स्टेम है वो सिलिंड्रिकल होता था, गोलाकार और राइजोम्स के फॉर्म में पाया जाता था, जिस पर नोड एंड इंटरनोड नहीं पाए जाते थे, जिस पर नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते थे। अगला पॉइंट है फिफ्थ, राइनिया की लोअर सरफेस पर राइजोइड्स व अपर सरफेस पर एरियल शूट, राइनिया की लोअर सरफेस पर क्या पाया जाता था, राइजोइड्स पाया जाता था, अपर सरफेस पर एरियल शूट तथा एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती थी। एडवेंटिशियस रूट्स कहने का मतलब क्या बेटा, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती थी, कहां, इसकी अपर सरफेस पर। सिक्स पॉइंट है, राइनिया एक होमोस्पोरस, दैट मींस एक ही जैसे स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है, अर्थात इनमें सिमिलर टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, अर्थात इसमें एक समान प्रकार के स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सेवन लिखा हुआ है, राइनिया की प्लांट बॉडी में ब्रांचेस के एंटीरियर एंड पर ओवल शेप सिलिंड्रिकल स्पोरेंजियम डेवलप होती है। दैट मींस यहां पर जो ओवल शेप है, ओवल शेप क्या, सिलिंड्रिकल स्पोरेंजियम डेवलप होती थी। अगला पॉइंट, प्रत्येक स्पोरेंजिया के चारों ओर 3 से 4 लेयर की भित्ति उपस्थित होती है या होती थी, तथा इसकी कैविटी में सिमिलर टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे, जो कि टेट्राड फॉर्म में अरेंज रहते थे। टेट्राड फॉर्म में कहने का मतलब तीन आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, बिल्कुल ये 1 2 3 और एक इसके जस्ट पीछे,
मतलब इसके पीछे भी आप है, अगर आप इसको जब घुमाएंगे इस तरीके से तो आपको एक यहां पर भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या स्पोर्स यहां पर अरेंजमेंट मिलता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राड फॉर्म। अब टेट्राड, अब आप लोगों ने इंटर में तो पढ़ा ही होगा यार, जब आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ा था तो वहां पर आपको स्पोर्स के बारे में डिस्कस किया गया होगा। नहीं किया गया तो अपने क्लासरूम में आप डिस्कस कीजिएगा जाकर के, वो तो अब फिलहाल इंटर में आपको नहीं जाना है पढ़ने के लिए, यहीं पे आप समझ लीजिए कि टेट्राड फॉर्म क्या होता है। क्लियर, चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका स्पोरेंजियम ऑफ राइनिया। राइनिया का जो स्पोरेंजियम है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, लिखा हुआ है राइनिया एक फॉसिल्स प्लांट है जिसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। राइनिया एक फॉसिल प्लांट है जिसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। और इस पे ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट नोट के लिए बेटा, किसके लिए, शॉर्ट नोट में आपका ये आता है तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। होता है इसकी कुल एरियल ब्रांचेस की टिप पर, इसकी कुछ एरियल ब्रांचेस की टिप पर स्पोरेंजिया पाई जाती हैं या पाई जाती थी, जिनमें एक ब्रांचेस के अपेक्स पर केवल एक ही स्पोरेंजिया पाई जाती थी। ठीक है, जिनमें एक ब्रांचेस के अपेक्स पर केवल एक स्पोरेंजिया पाई जाती थी। यह बात स्पष्ट नहीं है कि स्पोरेंजिया सभी ब्रांचेस पर पाई जाती थी, मतलब ये इस बात का तय नहीं हुआ, यानी कि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि स्पोरेंजिया जो था कि हर ब्रांच पर पाया जाता था, मतलब ये कह दिया गया कि कुछ ही ब्रांचेस पर क्या पाया जाता था, स्पोरेंजिया डेवलप होता था। नैना से देखिए, स्पोरेंजिया सिलिंड्रिकल या ओवल शेप होती थी, इनका बेसल पार्ट ब्रॉड तथा डिजिटल पार्ट नैरो होता था। इनका बेसल जो पार्ट था वो काफी चौड़ा होता था और डिजिटल पार्ट जो है वो नैरो यानी शकरा होता है। नैना से देखिए, राइनिया मैजोर की स्पोरेंजिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग तथा 12 मिलीमीटर लॉन्ग तथा 4 मिलीमीटर ब्रॉड होती थी। राइनिया गोनी वगोनी की स्पोरेंजिया का साइज कम होता था, यानी कि राइनिया मैजोर से राइनिया गोनी वगोनी का जो साइज है वो कम होता था। ठीक है, स्पोरेंजिया की जैकेट मल्टीलेयर्ड, स्पोरेंजिया की जैकेट मल्टीलेयर्ड होती थी जिसमें एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती थी, जिसमें एपिडर्मिस जो होता था वो आउटर मोस्ट लेयर होती थी। यहां पर ये बना हुआ है डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं, जो कि यह थिक सेल वॉल की बनी होती थी, जो कि यह थिक, ये देखो काफी मोटी थिक सेल वॉल की बनी होती थी, थिक सेल वॉल की बनी होती थी। एपिडर्मिस की ओर काइटीन डिपोजिशन होता था, इसके इनर साइड में 2 से 3 लेयर्ड थिन वॉल यानी सेल होती है, थिन सेल वॉल होती थी जो कि राउंडेड सेल की बनी होती थी जिन्हें टेप्टम लेयर कहते थे। ये देखो, ये वाली जो थिन लेयर वॉल है इसको राउंडेड थिन वॉल कह रहे हैं और ये राउंडेड होती थी। ठीक है, टेप्टम लेयर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, टेप्टम लेयर कहते हैं। ध्यान से देखिए, स्पोरेंजिया में स्पोर्स टेट्राड के फॉर्म में पाए जाते थे। टेट्राड मैंने बताया कि एक साथ समेकित होकर के न्यूक्लियस जो उनका था एक दूसरे के पास पास में पाया जाता था, टेट्राड फॉर्म में पाए जाते थे, जो कि होमोस्पोरस टाइप के होते हैं या होते थे, जो कि होमोस्पोरस टाइप के होते थे। स्पोर्स के टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका जो स्पोर्स है वो किस फॉर्म में अरेंजमेंट है इसका, टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स 4 स्पोर्स इस तरीके से एक साथ प्रेजेंट है। स्पोर्स के टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से यह स्पष्ट होता है कि इनका फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से होता था, डेफिनेटली मियोसिस डिवीजन होता था, तथा जिन पौधों पर यह स्पोर्स पाए जाते थे वह स्पोरोफाइट कहलाते थे। ठीक है ना, जिन पौधों पर यह पाए जाते थे वह स्पोरोफाइट कहलाते थे। तो यहां पर यह एक स्पोरेंजियम बना हुआ है जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया, ये थिक वॉल बना हुआ है जिसे हम लोग एपिडर्मिस कह रहे हैं। इसके ठीक अंदर मिडिल लेयर आपको दिखाई दे रहा है और मिडिल लेयर के ठीक नीचे आपको टेप्टम लेयर दिख रहा है, और टेप्टम लेयर में स्पोर मदर सेल पाया जाता होगा जिसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, और मियोसिस डिवीजन होने से यहां पर टेट्राड फॉर्म में या टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या पाए गए, टेट्राहेड्रल फॉर्म में स्पोर्स का अरेंजमेंट हो गया या स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है राइनिया के स्पोरेंजियम का। ठीक है, सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सभी लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। थैंक्स अ लॉट।